क्या नाम है? निकिता। निकिता, गीता और निकिता। तुलसी को देख के नंदी का याद आ रहा है, मेरे को ऐसी रिएक्शन दे रही है थोड़ा थोड़ा, मेरे नंदी जैसा। पसंद है? बहुत पसंद है। ऐसे कर, ऐसे हाउ हाउ बोल। अभी हम लोग जिस गांव पे जा रहे हैं उसका नाम है अचानकपुर गांव, जो कि बहुत कवर कर रहे हैं। तो ये है अचानकपुर गांव, जो कि सोनाखान के रेंज में आता है, बलौदाबाजी जिले के अंतर्गत राज्य है छत्तीसगढ़। और अभी आप चैनल में है वर्षा वर्मा ब्लॉग में, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो आज का बनने वाला है, क्योंकि हम पहुंच गए हैं गाँव में। विलेज लाइफ को फील कर रहे हैं आज हम लोग, यहाँ के ट्राइब्स के साथ विलेज लाइफ को। यहाँ से सनराइज हो रहा है। गाँव में जाए और पैरा वगैरह देखने को ना मिले तो हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे कितने सारे पैरे हैं, बहुत पैरा फैला, किसी का बाड़ी है वहाँ पैरा फैला हुआ है। हम लोग तो पैरा बोलते हैं, आप लोग क्या कर बोलते हैं इसको बताना, कि आप लोग क्या बोलते हैं आपके साइड पे, हम लोग पैरा बोलते हैं। ये घर गुरुवार वाला जो हमने बनाया हुआ है, मतलब पूरा घर के अंदर तक आया, बहुत ही खूबसूरत बनाया था, इसलिए मैंने इसको शूट किया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोग जा रहे हैं दूसरे घर पे। क्या रहते हैं, ओह हो, और ये गांव में ऐसे घरों के ऊपर ऐसे पेड़ पौधे और उसमें फल वगैरह, मतलब सब्जियां वगैरह ना मिले तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये खूबसूरत सा घर है इनका, बांस से इनका बाउंड्री वॉल बना हुआ है, बांस से। तुलसी चौरा तो हर हर की गांव में हर घर की खूबसूरती होती है, हालांकि हर घर में होता है, लेकिन गांव में इसे जिस तरीके से रखा जाता है, इतना बड़ा सा बना के, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ मुझे लग रहा है कि सभी घर में अघन बृहस्पति मनाया ही जाता है, क्योंकि सब घर में ये चौक बोलते हैं ना, चौक पूरा ही हुआ है, हम लोग तो उसको चौक पूर्णा बोलते हैं। ये सब डिज़ाइन सारी बनी हुई है, और ये देखिए क्या खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत सा घर, बहुत बहुत खूबसूरत घर है, बहुत प्यारा। और जो वहाँ पे सब्जी लगी हुई ना, वो तो और भी खूबसूरत लग रही है। गांव में लोगों को घर में मुर्गियाँ पालने का बहुत शौक रहता है, उनके घर में मुर्गियाँ, गाय, बछड़े, ये सब बहुत कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे घर है मुर्गी, प्यारी सी मुर्गी, और इनका प्यारा सा बाड़ी भी है जहाँ इन्होंने सब्जी लगाई हुई है। और चूल्हा तो बहुत ही कॉमन है, सभी गांव में मिलता है ना भैया। और ये चीज़ तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, घर की छतों पे ये ऐसे पेड़ को लगा देते हैं, मतलब नार वाले, जैसे लौकी के पेड़, कुमड़े के पेड़ या रखे के पेड़, ये बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं गांव एरिया में। तो अभी यहाँ पे क्या फला हुआ है, तुमा, तो ये तुमा का है, यहाँ पे सब्जी भी लगी हुई है, तुमा का पेड़ है। और गाँव तो खूबसूरत खूबसूरत घर है, खूबसूरत घर। और यहाँ बकरी, मैंने बोले ना बकरी वगैरह पाले हुए हैं, कितना खूबसूरत सा बकरी यार, बहुत खूबसूरत सा बकरी, दो तीन चार, हाय लोग तो कितना प्यारे से बैठे हुए हैं, तीन चार। यहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली भी है, किधर है, किधर है, कति है, होती चल दीस कुत्ता लग रहा था। ओहो बच्चा क्या खा रहा, बच्चा क्या खा, दिखा 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 बेटा, दिखा दिखा, मुर्रा चाय, जो कि बहुत कॉमनली गाँव में खाया जाता है, मुर्रा और चाय खा रहा है बेटा, है ना, पसंद है तोला, पसंद है, बहुत पसंद है। ऐसे कर, ऐसे हाउ हाउ बोल, हाउ हाउ, वेरी गुड वेरी गुड। मैं जा भी थी तो ये वाला प्यारा सा घर मुझे दिखा, तो इसकी खूबसूरती मार के इसकी लिपाई वगैरह हुई है, भैया ला लग दो दो दिन में लिपल पड़ते ना, है ना, इसकी लिपाई वगैरह हुई है। ये पूरा प्रॉपर एक घर है उनका, अभी मैं अंदर जाऊँगी, मैं जस्ट क्रॉस करी थी तो यहाँ से बहुत खूबसूरत लगा था, यहाँ पे गाय वगैरह भी है, तो मैंने रुक के अंदर जाने का परमिशन लिया। भैया ये इतना सुंदर होता है ना घर में, गाँव में लिप के रखा जाता है इनको बैठने वगैरह के लिए, बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गाँव हर गाँव में विशेषता होती है कि ऐसे चबूतरे बनाए जाते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, बातें करते हैं, गाँव के बारे में डिस्कशन होता है, और वो हर गाँव का होता है। तो यहाँ तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मैं आगे देखूँगी शायद और भी मिले मुझे, और ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, मैं ये घर के अंदर जा रही हूँ। मैं तो इनके घर में गाय है, इनके घर में बहुत ही खूबसूरत सी, ये तो क्या की थी, जर्सी गाय नो हरे नहीं है, ना, 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 जर्सी गाय भी है आपके घर, गाय नहीं है, बैल है, बैल है, अच्छा अच्छा, दो गाय है, बहुत खूबसूरत सी, उसको देख के नंदी का याद आ रहा है, मेरे को ऐसी रिएक्शन दे रही है थोड़ा थोड़ा, मेरे नंदी जैसा, खूबसूरत है सबसे। दो अच्छा, मैं हर घर में यहाँ पे डॉग देख रही हूँ, यहाँ भी दो डॉग है, मैंने हर घर में आते आते देखा दो दो डॉग है यहाँ पे, और सब घर में लगभग अलाव जल ही रहे हैं यहाँ,
और ये पूरी फैमिली जो एक तो और कुत्ता है, मुर्गी भी है, कुत्ता भी है, गाय भी है, बैल भी है, खेती किसानी करे बारे से आप रखे हो सबोला। अच्छा, और यहाँ ले भैया कतका दूर पर थे अपन के दूसरा गाँव जी जाते हो? तो 12 किलोमीटर नवा गाँव से। 12 किलोमीटर नवा गाँव से, और एक बार वही गाँव है नवा गाँव बस। अच्छा अच्छा ठीक है। वो कहा है भैया? भुट्टा भुट्टा। हाँ भुट्टा बोलता है। भुट्टा हाँ हाँ। सुखा के रख के कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका? अवला फैन बिजोड़ी बनाता है। बिजोड़ी बनाते हैं उसका आप लोग? अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। बिजोड़ी वगैरह बनाते हैं? अरे भाई ठीक है, तो उसको सुखाने के बाद फिर उसका बिजोड़ी बनाते हो आप लोग? अरे मेरे को भुट्टा दिख गया, मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो ये है भुट्टा, ये पूरा सूख गया ना? एक इसको जलाए हो आप लोग? अच्छा ये धुएं में? अच्छा एक मिनट दोस्तों मैं खोलती हूँ। अच्छा अंदर से तो अच्छा ये सूख गया है? हाँ। इसको आप लोग पीसोगे? हाँ। मतलब स्कूल नहीं कत का पढ़े हो? साथी पढ़े, पढ़े लिखे लाते मतलब ना? अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपके? सरस्वती। सरस्वती नाम है आपके? बहुत सुंदर नाम है आपके। आपके क्या नाम है? सावित्री। अरे बहुत सुंदर है आपके नाम, दोनों जन के साथ सस है। आपके भाइयों का नाम सस है का? क्या नाम है आपके? शरद। अरे वाह बढ़िया है, तीनों के नाम सस है। बढ़िया बढ़िया, आपके घर बहुत सुंदर है। रूम मैं जा रही हूँ दूसरे एरिया में, मतलब ये एरिया में मैं भी थी जहाँ पे डॉग्स वगैरह बहुत क्यूट से डॉग्स हैं, और सरस्वती सावित्री और शरद तीनों से मिली मैं। तीनों बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत कॉपरेटिव है, मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए बहुत ही प्यार से। वर्षा शर्मा जी आप पहुँच गए अभी विलेज लाइफ में, है ना? अभी देख रहे हैं आप लोग और गाँव में काफी अच्छा महसूस आप कर रहे हैं। क्या क्या ऐसे चीज आपको इस समय दिख चुका है जो आपको आकर्षित किया है, जैसे भुट्टा आपने देखा? भुट्टा बहुत आकर्षक है। और एक चीज और देखने को मिली कि यहाँ हर गांव में हर घर में कुत्ता भी पाले हुए, मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपली सब घर में है। मुर्गी गाय भैंस बकरियाँ ये सब तो बहुत कॉमन गांव में रहते हैं, लेकिन यहाँ लोग बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते और एक एक तीन तीन चार चार कुत्ते हैं, लगभग हर घर में एक कुत्ता है, मैंने ये भी देखा। प्लस यहाँ के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों का, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ के गांव की खूबसूरती क्या है। यहाँ के गांव के लगभग मैंने सारे घरों का ऐसा बाउंड्री जो देखा है ये बांस से बनी हुई है, और लगभग ऑलमोस्ट सब घर में यहाँ अघन बृहस्पति की जो पूजा होती है वो होती ही है। इनकी जो जनजाति है यहाँ, इनमें अभी तो ऐसा कुछ प्रधान वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सियान ही है जो सियानी करते हैं यहाँ। और इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं, जिनसे भी मैंने बात की बहुत ही खूबसूरती से बात कर रहे हैं, हर चीज़ का बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। और मेन है पशुपालन ये लोग कर रहे हैं, घर में इनकी बकरी है, गाय है, भैंसे हैं, जो भी खेती में लगने वाले जो भी पशु हैं वो भी, और साथ में मैंने देखा कि यहाँ जानवर भी हैं, और खाना अभी भी चूल्हे में बन रहा है। देखिए लकड़ी वगैरह है सारे यहाँ पे, चूल्हे में ही खाना बन रहा है अभी भी यहाँ। और मेनली इनका जो जीवन चल रहा है वो खेती से ही चल रहा है, और बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट विलेज लाइफ एकदम। आप रिजॉर्ट से थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको यहाँ बहुत अच्छा एक गाँव का एरिया, बहुत ही अच्छा गाँव को फील करने का मौका मिलेगा। एंटर की वो इतना खूबसूरत था, जस्ट हमने ऐसे एंटर किया क्योंकि जो भैया थे उसको हम लोग पहले जानते थे, मतलब भैया हमारे पहले से जानते थे, तो उनके रेफरेंस पे हमने यहाँ एंटर किया हम लोग को आने के लिए। और ये घर बहुत खूबसूरत है, एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत घर है। अभी यहाँ पे लिपाई चली और थोड़ा सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत लगी थी मुझे। ये घर मेरे सुखाया जाता है ऊपर में, ये ऐसे सुखाए हुए हैं चावल, ये चावल हरे नहीं भैया, चावल सुखाए हुए हैं यहाँ पे। तो हमें मिला है ये भूइली, एक पत्ती खा के देखो, बहुत चीचिया जैसी लगा दिया ये साल में, एक पत्ती खा के देखो बहुत मीठा लगता है। कैसे अब इसका बारे में कुछ जानकारी दो, इसको कैसे खाते हैं, यूज क्या है? ये मैं ना आयुर्वेदिक वगैरह के लिए होता है, साल दो बार पियोगे ना? हाँ हाँ, बुखार मलेरिया कुछ नहीं होता, शाम में दो बार, साल में दो बार। अरे इतना अच्छा है, मतलब ये सूप जैसे बनाते हैं कैसे? मतलब पानी में ना गर्म पानी डालते हैं। अच्छा क्या काम करते हो भाई? क्या बोलते हैं भुई? बुखार के भुई नीम, ओके ओके पैरासिटामोल। तो ये है भुई नीम, भुई बोल रहे हैं कि साल में दो बार इसको पी लेने से, मतलब गर्म पानी में डालने से कि मलेरिया जैसे बुखार वगैरह नहीं होता। तो ये जो है भुई नीम, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसको, भुई नीम।
तो एक तरह से आयुर्वेदिक के बाद आयुर्वेदिक में से भी कनेक्ट हो जाता है ये गांव। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ये गांव से ही मिलने वाली चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। नाम है नोनी, तोर का नाम है? तो नाम गीता है। हाय ते एकदम सुंदर है। तो नाम का है? का नाम है? निकिता। निकिता गीता और निकिता, गीता निकिता दोनों बहन है। हाँ मान हम जा थन बाय बाय। आपको वॉक करके वहाँ गांव में कैसे लगे लोग आपको? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और कई सारी चीजें ऐसा देखने को मिला जो अभी तक हम लोग देखे ही नहीं। जैसे आप लोग बेलन देखे? आप लोग बेलन नहीं देख पाई? मैं सोच नहीं बेलन देखा वहाँ पर। तो बेलन तो अब विलुप्त हो चुका है। जैसे धान को पीसने के लिए मिंजाई के लिए उसको यूज करते हैं, गाँव में बेलन देखने को मिला जो अभी पूरा विलुप्त हो चुका है। शायद ही अब कहीं पे होगा। अरे आप सच में नहीं देख पाई? हाँ, मैं देखा हूँ वहाँ पर। अच्छा। और जैसे कि हर गांव में जैसे जाते हैं हाँ। तो जो बुजुर्ग रहते हैं, जो महिलाएं रहते हैं और बच्चे रहते हैं, वो लोग हाथ तापते रहते हैं हाँ। तो वो देखने को मिला। अब शहर में तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है लोग। अब गोरसी भी नहीं मिले भैया, देखे नहीं मिले। तो अब मतलब यहाँ पे कितना मतलब अभी भी इतना इस चीज को संजो के रखे हैं, बचा के रखे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ठीक ठीक भैया, मैं उनसे भी अनुभव पूछती हूँ। ठीक है, अब हम लोग रिजॉर्ट के सब चल ही रहे हैं, तो मैं उनसे भी अनुभव पूछ लेती हूँ। मिर्जा जी से हमारे, मिर्जा जी बताइए आपको क्या 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 अनुभव रहा? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग थे। हाँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने गांव का रुख लिया हूँ और यहाँ जो जनजाति बिंजवा जनजाति के थे और रात को हम लोग ट्राइब बल डांस जो देखने गए थे, कर्मा ददरिया इन लोग का जो होता है, तो बहुत अच्छा लगा। और सुबह का जो वक्त था सुनहरी सुबह थी, जो गांव में अक्सर होता है डेली जो काम करते हैं, वर्क करते हैं वो लोग, वो हर वर्क को हम लोग एकदम नज़दीक से देखें। जैसे खाना बनाना, झाड़ू करना, लिपापोती करना, जो गोबर से हम लोग पारंपरिक विधि से करते हैं जमीनी का, ये सब हमको वहाँ देखने को मिला और सभी से हमको बराबर अच्छा सम्मान मिला, व्यवहार मिला। ये जो गांव में होते हैं, जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, तो भाई ये गांव है, यहाँ तो आपको भगवान से भी और बढ़ के मानेंगे। और अब सभी का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होगा। आप एक बार विजिट करके जरूर देखें गाँव में। आप शहर में रहते हैं तो एक शहर के चकाचौंध से दूर आप गांव में जाकर एक वातावरण का मजा लें, आनंदित हो जाएंगे आप बहुत ज्यादा। आपको वापस आने का मन नहीं करेगा ऐसा है। ये हमारा रिजॉर्ट आ गया है, देव हिल रिजॉर्ट से लगा हुआ है ये गांव, जिसको हम लोग नॉर्मल वॉक करते हुए गए। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 300 मीटर की दूरी पे। हमने जनरली एक वॉक लिया, मॉर्निंग वॉक जो हम लोग शहरों में लेते हैं वो हमने गांव में लिया, और यहाँ से जाके गांव को वो फील किया और वहाँ के लोगों से मिले जुले, कितने अच्छे हैं वो। स्पेशली एक ट्राइब जो है जनजाति बिंजवा ट्राइब, वो यहीं रहती है। एक पर्टिकुलर बिंजवा ट्राइब के 100 से 150 परिवार यहीं रहते हैं। जनसंख्या लगभग 300-400 के आसपास होगी। देव हिल रिजॉर्ट है ये, पूरा यही मैनेज करते हैं गाँव के लोग ही मैनेज करते हैं। तो आप जब भी आएंगे आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी यहाँ मिलने वाली है देव हिल रिजॉर्ट।